और पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात मध्महेश्वर धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पहली बार 6,000 के पार पहुंच गया है। मध्महेश्वर धाम पहुंचने के लिए रासी गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पैदल तय करनी पड़ती है, इसलिए विगत वर्षों तक ग्रीष्मकालीन के 6 माह की अवधि में मध्महेश्वर धाम में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 4,000 तक सिमट कर रह जाती थी, मगर इस बार मध्महेश्वर धाम में 4,445 पुरुषों और 1,209 महिलाओं और साथ ही साथ 370 नौनिहालों, 61 साधु संतों और 43 विदेशी सैलानियों सहित 6,128 तीर्थयात्री मध्महेश्वर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। आगामी 15 सितंबर के बाद मध्महेश्वर धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। पहली बार मध्महेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 6,000 के पार पहुंची है। मध्महेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है। 6,000 के पार पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या 6,128 श्रद्धालुओं ने धाम में पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड के उखी मठ से ये तस्वीरें जहां पर मध्महेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिली। 6,128 श्रद्धालुओं ने धाम में अभी तक पूजा अर्चना की है। 15 सितंबर को कपाट बंद होंगे, हालांकि अभी यात्रा जारी है और 6,000 के पार पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का आंकड़ा। आने वाले दिनों में आंकड़ा में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण नेगी हमारे साथ उखीमठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, 6,128 श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है, जो पहली बार है कि धाम में इतने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में संख्या में और भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? दिव्या जी, देखिये पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से जिस विख्यात भगवान मध्महेश्वर के धाम में इस बार तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 6,000 के पार चले गया है, जो कि राज्य गठन के बाद पहली बार मध्महेश्वर धाम में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा है। जी, रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों के मध्महेश्वर धाम में पहुंचने से मध्महेश्वर घाटी के तीर्थाटन और पर्यटन व्यवसाय में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले यही 14 अगस्त को मध्महेश्वर यात्रा के अहम पड़ाव गौनार गांव के बनातूली में मूसलाधार बारिश के कारण पुल के बहने से जो है कुछ दिनों यात्रा स्थगित तो रही है, मगर विभागीय और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से अस्थायी पुल का निर्माण किए जाने से फिर मध्महेश्वर धाम की यात्रा लगातार बढ़ रही है। और मैं विगत वर्षों की बात करूं तो मध्महेश्वर धाम जब पहुंचने के लिए लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है, इसलिए विगत वर्षों तक यह आंकड़ा मात्र पूरे 6 माह में 4,000 तक सीमित रह जाता था, मगर इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो चार धाम आए हैं उसके साथ ही मध्महेश्वर धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचने से यह आंकड़ा 6,000 के पार पहुंच गया है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।